सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्पाइस फॉर लाइफ में। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो ये देखिए, बनाने जा रहे हैं स्पेशल हमारी डिश, जो कि है राइस टिक्की। तो बनाते हैं। तो हमने एक बाउल लिया है और उसमें हमने वो राइस डाले हैं जो कि हमारे कल के पड़े थे फ्रिज में ऑलरेडी, जो लेफ्ट ओवर राइस थे। हम घर में मोस्टली बनाते हैं तो थोड़े से चावल तो बच ही जाते हैं हमेशा। तो ये उन्हीं राइस से हम आज टिक्की बनाएंगे। तो ये देखिए, हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे इसका अच्छा बैटर बनाने के लिए। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, जस्ट जैसे 1 to 2 टेबल स्पून, ताकि वो बैटर जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि समटाइम्स फ्रिज में जब राइस पड़े होते हैं तो वो थोड़ा सूख जाते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है और ये मैश हो चुके हैं, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी ये रख सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न फ्लोर। तो हमने 2 स्पून डाला है, आप 2 से 3 स्पून भी डाल सकते हैं, और साथ ही में आप नमक डाल दीजिए जो कि आप अपने टेस्ट से डाल सकते हैं। फिर डालेंगे अजवाइन जो कि जस्ट 1/2 टेबल स्पून है, और फिर हमने इसमें डाला है क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, और साथ में थोड़ी सी रेड चिली। हम इसमें ज़्यादा रेड चिली नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम ग्रीन चिली डाल रहे हैं। तो एक हमने डाली है कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में हमने डाला है 1 चम्मच जिंजर और गार्लिक जो हमने पहले ही चॉप करके रख लिया था। और फिर हम डालेंगे कॉर्न्स, ये फ्रोजन कॉर्न्स हैं तो हमने ये डाले हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास फ्रिज में है तो आप इसमें डाल लीजिए। और फिर हम डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर, तो जिसको धनिया बोलते हैं, तो धनिया बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, तो आप इसके बीच में भी डाल दीजिए और हम इसके बाद में भी डालेंगे। और फिर हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा इसमें प्याज ऐड कर देंगे, तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है टिक्की का, जिसे हम खाते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है इसके बीच में। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें ताकि जो हमने मसाले डाले हैं और जैसे कॉर्न्स एंड प्याज है वो अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए, एक साइड पे ज़्यादा कम ना रह जाए। तो ये लीजिए, बैटर रेडी है टिक्की। तो ये लीजिए, बैटर से बनाते हैं अब टिक्की। और ये देखिए, हैंड पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है मैंने ताकि हैंड्स स्टिकी होंगे तो टिक्की की शेप बहुत अच्छी आएगी और वो गोल गोल बन जाएंगी। और जब ऐसे आप बनाते जाएंगे तो आप इसको एक प्लेट में प्लेस करते रहें, चाहे आप स्टील की प्लेट लें या कोई भी, जैसे वो इसके साथ चिपके नहीं। अदरवाइज हम अगर उसको कहीं और रखेंगे, ऐसे ही इकट्ठी रख देंगे, तो हो सकता है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाए। तो इसलिए प्लेट में रखें और अच्छे से रख दें। और फिर ये देखिए, ऑलमोस्ट टिक्की हमारी जो है बन चुकी है, और अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि हम इसको डीप फ्राई करने वाले हैं, बट नहीं, हम आपकी सेहत का, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, तो हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। तो ये देखिए, हम इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून ही ऑयल डालेंगे, या 3 भी आप डाल सकते हैं। और फिर अच्छे से जब ये गर्म हो जाएगा पैन, उसके बाद हम इसमें टिक्की प्लेस कर देंगे। तो आप इसको 1 by 1 रखें और थोड़ी सी दूरी बना के रखें, और उसके बाद फिर क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग तो चल रही है, तो क्यों ना टिक्की की भी हम सोशल डिस्टेंसिंग करवा दें। तो ये देखिए, हमने इसको थोड़ा दूर दूर ही रखा है, क्योंकि भाई कोरोना वायरस का ज़माना है, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो ये देखिए, आप इसको हम एक साइड को अच्छे से पकने देंगे। आप इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएँ, क्योंकि अगर आप इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो हो सकता है कि ये ऊपर से थोड़ी जलने लग जाए, तो आपको लगेगा कि हमारी टिक्की बन चुकी है, लेकिन वो अंदर से हो सकता है कच्ची रह जाए, वो रॉ रह जाए, तो इसलिए हम ये रिस्क नहीं लेंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 7 to 8 मिनट्स के लिए। आप इसको ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास टाइम है तो हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। अगर आप इसको ढक के पकाते हैं तो थोड़ी और सॉफ्ट हो जाती है ये, लेकिन जो टिक्की होती है वो हमेशा क्रंची क्रंची अच्छी लगती है, तो हम इसको ओपन में ही पकाएंगे। और ये देखिए, दूसरी साइड पे आप अब फ्लिप कर दीजिए, जब आपको लगे कि वो साइड पक चुकी है तो आप फ्लिप कर दीजिए। और फिर इस साइड को भी हम 5 to 6 मिनट्स के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और यस, हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, क्योंकि हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, हमारी टिक्की बन रही है। तो ये राइस टिक्की जो है, ये बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम जैसे हमारे पास राइस बच ही जाते हैं, तो क्यों ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये बनाई जाए या इवनिंग स्नैक्स में बनाई जाए। तो आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, और हमारी टिक्की बन चुकी है। और ये देखिए, ये बहुत ईजी और यमी सी रेसिपी है। अब हम इसको सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल स्पाइस फॉर लाइफ बाय राबिया। थैंक यू सो मच।